सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज है 17th of February 2024 और अभी जोहर का वक्त हो रहा था। मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के अभी रेडी हो गया हूँ। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि मैं शूट इसके लिए कर रहा हूँ कि आपको मैंने बोला था इसके पिछले वाले ब्लॉग में कि एक पास्ते की रेसिपी है, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसके पहले जो हम लोग ने बनाई थी वो डिफरेंट थी काफ़ी, और जो अभी बनाई है, जो मैं आपको अभी मतलब जो इस ब्लॉग में डाल रहा हूँ, वो काफ़ी डिफरेंट है। उसमें काफ़ी सारे सॉस इस्तेमाल किए गए हैं और काफ़ी यूनिक मतलब तरीके से बनाई गई है। तो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ। और इसके लिए मुझे थोड़ा स्टार्ट ब्लॉग बनाना था, स्टार्टिंग का कुछ शूट करना था, तो मैंने सोचा चलो अभी शूट कर लेते स्टार्ट और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और इसे में आपको मैं पास्ते की रेसिपी शेयर कर देता हूँ। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो आप और हेल्प करिए ग्रो करने के लिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसमें आपको डेली ब्लॉगिंग, फिर इंशाल्लाह मैं सुन मतलब जल्दी फूड ब्लॉगिंग भी चालू करने वाला हूँ। जगह जगह पे जाके वहाँ के मतलब फूड ट्राई करने वाला हूँ, फूड ब्लॉगिंग चालू करने वाला हूँ। और ट्रैवलिंग वीडियोस भी आते रहेंगे इस पर इंशाल्लाह 2-4 महीने। अभी रमज़ान नज़दीक आ रहा है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह कोशिश रहेगी मेरी ट्रैवलिंग वीडियो ट्रैवलिंग ब्लॉग चालू करने की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और सपोर्ट करिए इसी तरह से। फ्रेंड्स, आज हमारी वापस से तैयारी चालू है पास्ता की। असल में शाम को हमको आदत हो गई नाश्ता करने की कुछ अच्छा स्पाइसी, तो हाँ सॉसेस भी हमारे पास सारे अवेलेबल है। सोया सॉस है, सेजवान चटनी है, फिर और कौन सा रेड चिली सॉस है, पास्ता सॉस है। तो आपको पता ही है कितना अच्छा लगता है लोगों को, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविचेस हो गए, फिर पास्ता हो गया। तो उसी तरह हमें पास्ता काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा स्पाइसी नाश्ता लगता है और अच्छा लगता है। हाँ, बनाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा पास्ता बॉईल होने के लिए रखा हुआ है और बॉईल होने आ गया लगभग। तो चलिए नाश्ते की तैयारी करते हैं, जब तक अभी असर का वक्त और अभी नूडल्स का वक्त आ रहा है, तो जब तक नमाज भी पढ़ लेते। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो आवाज़ यहाँ से आ रही है। ये हमारा जो है, ये इससे हम कांदा चॉप करते हैं चॉपर से, तो ये आवाज़ यहाँ से आ रही है। सो फ्रेंड्स, हमारा कांदा यहाँ पे लाल हो रहा है और यहाँ पे हमारा टमाटर चॉप हो रहा है। फिर इसके बाद में हमारा पास्ता वहाँ पे बॉईल होके रखा हुआ है, और आगे की प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। आपसे आज ये कुछ अलग रेसिपी बनेगी ना, ये उस दिन वाली रेसिपी नहीं, ये थोड़ी अलग रेसिपी है। तो चलिए आपको मैं ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ब्लॉग में। कहाँ है कोतमीर? आराम से आराम से। ये है ये वाली ना, ये हमारा पास्ता मस्त एक नंबर। हमारा पास्ता यहाँ पे बॉईल होके रेडी है कब से। हाँ, तो हमने कांदा डाल लाल हो गया, तो फिर हमने अभी टमाटर डाल दिया। कांदा लाल होने के बाद में थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना कांदा, तो फिर उसके ऊपर टमाटर डाल दो, थोड़ा अच्छे से उसको भून लो। भून लो ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा भून लो अच्छे से थोड़ा इसको। और फिर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा डालना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्दी। और अभी क्या जाएगा, मिर्ची पाउडर और नमक। तो ये मिक्स है ना अपनी मिर्ची, लाल वाली कलर और वो, हाँ काश्मीरी और तीखी मिर्च मिक्स है, और नमक, नमक जैसा आप प्रिफर करते हो, हाँ वही हस्बैंड जायका। अभी इतना उर्दू शायद से ही कोई समझ पाएगा, तो इसलिए आपके हिसाब से अच्छे से चला लो। कि हम क्या डाल रहे हैं, पास्ता मसाला, पास्ता मसाला डाल देते अच्छे से। एक पैकेट मतलब एक बार डाल ही दो तो अच्छा रहता है। अभी पास्ता स्टॉक, और अभी पास्ता स्टॉक। हाँ, तो गाइस जो आप पास्ता बॉईल करते हो ना, उसका पानी थोड़ा बचा लो, तो ये पास्ता स्टॉक है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो फ्रेंड्स, स्टॉक ऐड करने के बाद में इसे हमें ढक के थोड़ा देर पकाना है, और आप थोड़ा चेक कर लो कि थोड़ा नमक ज़्यादा है या क्या है उस हिसाब से। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा मसाला हो गया है अच्छे से भून के, और अभी हम क्या डालेंगे, ये पास्ता पिज्जा सॉस, ये हम पास्ता पिज्जा सॉस डालेंगे।
ये हमारा चले गया पास्ता पिज़्ज़ा सॉस, और ये हमारी सेजवान चटनी चिंग्स की। इसमें नमक होता है फ्रेंड्स, तो आप नमक पहले ही उस हिसाब से डालिएगा। काफ़ी ऑयल है पूरा, अभी नया पैक है ना तो ऑयल निकल रहा है, पहले थोड़ा ही डालो। काम बढ़ रहा है। फ्रेंड्स लग रहा है ना काफ़ी देखने में यम्मी और एकदम टेस्टी, तो अभी इसमें जाएगी मेयोनीज। हाँ फ्रेंड्स, अभी इसमें डाल रहे टोमेटो केचप थोड़ा ही, और ये मस्त हो गया हमारा टोमेटो केचप डालकर। और अभी हम डालेंगे इसमें मेयोनीज, मेयोनीज जो भी बोलते हो आप, तो मस्त अच्छा लग रहा है काफ़ी देख के। ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी स्पाइसी और काफ़ी बेहतरीन बनने वाली है इंशाल्लाह। बस अभी बॉइल पास्ता डाल देना है इसमें, मसाला रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से पास्ता हो गया डाल के। बस अभी अच्छे से उसको चला लेना है, और हार्डली 2 मिनट ना, दो मिनट के लिए इसे ढक्कन ढककर गैस पे छोड़ देना है, तो काफ़ी अच्छे से पास्ता में इसके मसाले सब जज्ब हो जाएंगे, इसमें अच्छे से मिल जाएंगे, अच्छे से आ जाएंगे। और ऊपर से आपको धनिया डाल देना है। हो गया हमारा पास्ता रेडी। अब मैं इसका फाइनल लुक बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। मैं खाली अभी हार्डली 5 मिनट के लिए गैस के पास खड़ा हुआ शूट करने के लिए, मुझे इतने पसीने आ गए, तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग गैस पे, लेडीज़ लोग। और अभी रमज़ान भी आ रहा है तो उसकी भी तैयारी चालू होगी, तो उसकी रौनक की कुछ अलग ही बात है, तब वहाँ पे और भी डिशेस मिलती है खाने के लिए हमें। तो चलिए अभी एंजॉय करते हैं हमारे पास्ता को, और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा पास्ता हो गया रेडी, हम लोग इस पर अभी धनिया डाल रहे अच्छे से काट के, और अभी इसको नहीं चढ़ाना अभी इसको स्टोव पे, बन गया ना, रेडी है ना एकदम से। थोड़ा पहले डालना था उसमें, मगर मैं भूल गई। हाँ थोड़ा भूल गए हम लोग, थोड़ा शूट के चक्कर में होता है ऐसा। तो हमारा पास्ता रेडी है फाइनली फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसे चीज़ के साथ भी खा सकते हो, ऊपर से चीज़ डालकर ऐसा सादा भी खा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। काफ़ी पसंद है मुझे ऐसा, मतलब चटपटा और अच्छा लगता है खाने में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास्ते का फाइनल लुक, माशाल्लाह काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। तो चलिए ये पास्ते को एंजॉय करते हैं फ्रेंड, और मिलते हैं आपसे आगे।